जैसा कि आप सबको पता ही है, बॉलीवुड की बेबो करीना कपूर खान हमेशा से ही कैट फाइट का सबसे ज्यादा समय तक हिस्सा रही हैं। सबसे ज्यादा कैट फाइट्स को लेकर करीना का नाम लोगों की जुबान पर आता रहा है। खैर, यहाँ हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो शायद आपने पहले ना सुना हो। क्रू फिल्म के जरिए इन दिनों करीना लोगों की जुबान पर है। उनका ग्लैमर एक बार फिर से काम आ गया है। लेकिन चलिए हम आपको ये भी बता दें, बेबो करीना कपूर खान ने पीसी यानी कि बॉलीवुड की देसी गर्ल जो हॉलीवुड में तहलका मचा रही हैं पिछले कई सालों से, उन पर करती नजर आई वो कमेंट। अब्रॉड जाकर प्रियंका के काम करने पर करीना का तंज सामने आया है। वेल, प्रियंका ही है बॉलीवुड की वो एक्ट्रेस जो कि इंटरनेशनल स्टार बनकर, ग्लोबल आइकन बनकर अब्रॉड में परफेक्ट सेटलमेंट और बॉलीवुड इंडस्ट्री का नाम रोशन करते हुए बॉलीवुड एक्ट्रेस से हॉलीवुड एक्ट्रेस के तौर पर एग्जांपल सेट कर चुकी है। ऐसे में हाल ही में एक चैट शो में करीना ने प्रियंका के हॉलीवुड शिफ्ट होने पर रिएक्ट किया और ये कह दिया कि अगर कोई शख्स अब्रॉड चला जाता है इसका मतलब कुछ भी नहीं है, इसका मतलब ऐसा कुछ नहीं कि कोई बड़ी बात हो गई, इसका मतलब सिर्फ यही है कि आप अब्रॉड में भी काम कर रहे हैं, इसका मतलब और कुछ नहीं हुआ। आप अगर अब्रॉड जाएं और वापस आएं, यहाँ आपकी सैलरी बढ़ेगी वो पता नहीं मुझे, यानी कि आप अब्रॉड जाकर अपनी कीमत बॉलीवुड में नहीं बढ़ा सकते हैं। ये प्रियंका के लिए करीना का तंज था। करीना कपूर खान ये इसलिए कहती नजर आई क्योंकि अब्रॉड जाने के बाद प्रियंका बॉलीवुड से काफ़ी दूर हो गई हैं, बॉलीवुड में बड़ी फिल्मों से पूरी तरह से दूर हो गई हैं। करीना ने आगे कहा, टू आई डोंट नो इट्स द सेम थिंग, कि आप हॉलीवुड में काम कर रहे हो या यहाँ आप कर रहे हो काम, आई थिंक योर ब्रांड वैल्यू इज एज मच एज यू डिलीवर एंड आई थिंक इट इज़ एज मच एज योर पर्सनैलिटीज। हर एक ब्रांड की एक पर्सनालिटी होती है, ये है करीना का कहना। नेक्स्ट नाइन लाइव से ऋतिक रिपोर्ट।